ऋतिक रोशन पहले फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आने वाले थे, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में आए कैसे? और साइंटिस्ट के दिमाग में कुछ भी आता रहता है, इस बार उन्होंने फिर से क्यूप्लूटो को लावारिस छोड़ दिया। और अंधे लोग जो नेत्रहीन होते हैं वो नोट का राशि का पता कैसे लगाते हैं? ऐसे ही तीन इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे हम आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं आज की फैक्ट की वीडियो को। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, बचपन में हमें पढ़ाया गया था कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह होते, लेकिन आज के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सोलर सिस्टम में 8 ग्रह होते। साइंटिस्ट एक बार में एक आंसर क्यों नहीं देते यार, और इन्हें क्यों प्लूटो को ऐसे लावरी जैसे हमारे सोलर सिस्टम से निकाल दिया? तो सुनिए, साल 1930 में पहली बार सेल्फ टॉन्ग वॉग ने प्लूटो ग्रह को खोजा था, और तब ऐसा माना जा रहा था कि इसकी साइज पृथ्वी की तुलना में सिग्निफिकेंट होगी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, वैसे वैसे उसकी क्लियर पिक्चर आनी शुरू हुई, और पता चला कि भाई साहब प्लूटो तो चांद से भी छोटा है। इसलिए साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिसाइड किया कि अगर किसी भी ग्रह को ग्रह कहना है तो उसके लिए 3 कंडीशन फॉलो करना जरूरी है। पहली कंडीशन, वो सूरज का चक्कर लगाता हो। दूसरी कंडीशन, वो अपने आप गोल आकार शेप में मेंटेन करे। प्लूटो ये दोनों कंडीशंस फॉलो करता था। तीसरी कंडीशन रखी गई कि वो पिंड अपनी नेबरहुड को साफ रखे, यानी कि जो कोई भी पिंड उसके आसपास घूमती है तो उससे गोल आकार का चक्कर लगा रही हो, जैसे कि मून, वरना टकरा कर उस पिंड से जुड़ जाए। प्लूटो इस कंडीशन को फिल अप नहीं कर पाया और इसीलिए उसे हमारी सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया। मतलब कि कल साइंटिस्ट बोलेंगे कि रेगिस्तान में अगर बारिश नहीं होती तो रेगिस्तान अर्थ का हिस्सा नहीं है और हम उसे मान भी लेंगे। यार ऐसा कुछ होता है यार, तुम पूरी चेंज कर डाल रहे हो सृष्टि का मैप तो। फैक्ट नंबर 2। आप में से बहुत से लोग ऋतिक रोशन को तो जानते ही होंगे, इंडिया के मोस्ट हैंडसम हीरो। मेरे जितने तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं। लगा मेरा मजाक। तो उनकी पूरी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी और वो भी छोटे मोटे किरदार निभा रहे थे, लेकिन उनके मन में एक हीन भावना थी कि उनके हाथों के एक के बजाय 2 अंगूठे थे और वो दोनों भी जुड़े हुए थे। उनके हिसाब से वो बहुत बदसूरत लगते थे। 1997 में जब वो अपने पिता राकेश रोशन के साथ कोयला फिल्म की डायरेक्शन में हेल्प कर रहे थे, तब स्वर्गीय अमरीश पुरी जी उन्हें अपना अंगूठा छुपाते हुए देख लिया और ऋतिक को जो कहा उसे सुनकर ऋतिक रोशन की पूरी जिंदगी ही बदल गई। अमरीश पुरी जी ने कहा, बेटा अपने अंगूठे को छुपाओ मत, दिखाओ, अपनी कमी को अपनी ताकत बनाओ। वही हुआ जो अमरीश जी ने कहा था। ऋतिक ने अपनी हीन भावना निकाल डाली, अपना अंगूठा सबको दिखाया और 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके। वो सबसे हैंडसम एक्टर होने के साथ साथ इंडिया के बेस्ट पेड एक्टर भी बन चुके और आज पूरी दुनिया में से लाखों लोग उनकी कॉपी करते सिवाय मेरे, क्योंकि मैं तो पहले से ही बहुत हैंडसम हूँ। इसलिए आप अपनी कमी को छुपाओ मत, दिखाओ, कल दुनिया आपकी ही नकल करेगी। इसी बात पर हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी सवाल आया है, जो नेत्रहीन यानी अंधे लोग होते वो नोट की राशि का पता कैसे लगाते? ज्यादातर पहले के भारतीय नोट जो थे वो नेत्रहीन लोगों को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए थे। इस वजह से नेत्रहीन व्यक्ति को कुछ खरीदते वक्त सामने वाली व्यक्ति पर भरोसा ही करना पड़ता था और इस वजह से उनके साथ बहुत बार फ्रॉड भी हुआ है। इस समस्या की वजह से पॉल डिसूजा नाम के इस व्यक्ति ने एक टेम्पलेट बनाया था जिसमें नोट्स को मोड़कर इस तरह लगाया जाता है। उस नोट की साइज किस सीढ़ी तक पहुंचती है उस हिसाब से उस नेत्रहीन आदमी को राशि का अंदाजा लगाना पड़ता था, लेकिन उन्हें ऐसी राशि समझने में बहुत परेशानी होती थी। इसलिए भारत की नई नोट्स पर स्मूथ जगह पे अगर आप ये नीचे की तरफ हाथ फेराओगे तो रफ जगह दिखेगी, क्योंकि ये जो नंबर होते हैं वो रफ लिखे हुए। राइट साइड में ये जो अशोक होता है उसके ऊपर त्रिकोण गोल चौरस बने हुए होते। ये डिजाइन कोई आपकी रंगोटी या नोट अच्छी दिखे इसलिए नहीं होती, इसे छूकर आप पहचान सकते हो कि ये नोट कितने का है। इसके अलावा सरकार ने एक मनी ऐप नाम का भी ऐप लॉन्च किया है जिसे स्कैन करके आप ये भी कर सकते हो कि ये नोट वास्तविक है या फेक है। अगर आपके पास नए 100, 200, 500, 2000 के नोट है तो आप छूकर जरूर महसूस करके देखना। अगर आपको हमारी बताई नॉलेज पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली न्यू फैक्ट की वीडियो।